बात ये है कि बात कुछ भी नहीं है भाई। कुलदीप दुबे जी हमारे बीच में एक बहुत बड़े कलाकार थे राफ्टर के, बहुत शानदार इन्होंने मिमिक्री करी है और करना भी चाहिए इस देश की। कई तरह से शाहरुख खान के कुत्ते बिल्ली बंदरों की आवाज इन्होंने निकाली, पर हो सके तो कभी इस देश को भगत सिंह और सुखदेव चंद्रशेखर आजाद की आवाज निकालना चाहिए। हालांकि मेरे को किसी की भी नहीं आती आवाज, मेरे को मेरी खुद की ढंग से नहीं आती है, और मैं जो दूसरा पकड़ा था वो पकड़ता भी नहीं, इसलिए ओरिजिनल माइक मैंने पकड़ा। ये इतना वाला पकड़ा था कोई भी हाथ में क्या मतलब, अपन ओरिजिनल पकड़ो ना यार। मैं ये रखता हूँ मंच में साथ। क्या है अपन मालवे के लोग है, अंतरराष्ट्रीय 17 साल हो गए इस ठाका को होते हुए। कितने साल हो गए? 17 साल से हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको कर रहे हैं, इसलिए भाई। इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं है। इतने साल हो गए, इतने साल महेंद्र यादव भी इतने भावुक हो गए मेरे छोटे इशारे से। देश के बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आ गए, शक्ति कपूर आए, देवानंद आए, जब मैं पैसा हो तो अमिताभ बच्चन भी आ जाए। कोई इतना लोड मत लो महेंद्र भाई, अपन मालवे के रहने वाले हैं। बाबा महाकाल की तपा स्थलीय हम आशुतोष की सर जमी पे खड़े हुए हैं, भगवान विश्वनाथ महाकाल की धरती पे। इतना अपने को और ऐसा कोई झूठ झूठ बोलना भी नहीं अपने को, है ना। जैसे अभी ये कुलदीप दुबे वाले सारों ने बोले ये देश दुनिया में जाते हैं और वहाँ और अमरीका और लंदन में, कहीं भी नहीं गया रे भाई, और कहीं भी नहीं गया, और इसके बाद भी मजे वही ले रहे, तो क्या मतलब है यार। ओरिजिनल मालवे का आदमी ये है कि कहीं भी नहीं जाए और मजे इतने ही ले भाई। जो मजे यहाँ है वो कहीं भी नहीं है, भगत की बात है ये। बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद 10-10, 20-20 दिन तक आप इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने दूसरे रोते फिर रहे, क्या मतलब है यार। अरे घर पे रहो, आदमी घर पे रहना भाई। सबसे बड़ी समस्या ये है, इस देश की सारी समस्या का मेन कारण क्या है? आदमी घर पे नहीं है। घर पे रहो, समस्या पैदा ही नहीं होगी। आप आपके घर पे रहो, मैं मेरे घर पे रहो, ना आपकी यहाँ समस्या ना मेरे यहाँ समस्या। अब आप इधर उधर घूमते फिर रहो, समस्या हो गई बड़ी। इस समस्या का मेन कारण यही है कि आदमी घर पे रहे। हालांकि मैं वो कुमार दास साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी, अरे बोले यार समस्या तो इसलिए कि नरेंद्र मोदी घर पे नहीं रहे, पूरे देश दुनिया में घूमते भी रहे इधर उधर। मैंने कहा वो घूम सकते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि दोनों डॉक्टर पास में बैठे हुए हैं, एक लोकल एक अंतरराष्ट्रीय। और इन दोनों डॉक्टरों को मालूम नहीं है कि मोदी जी क्यों घूम रहे हैं बाहर। भाई बात यह है कि मैं कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। हालांकि पढ़े लिखे कर भी क्या रहे, वही कर रहे जो मैं कर रहा हूँ। जब वही करना तो पढ़ लिख के करना क्या है अपने को यार, काम तो वही करना है भाई। वहां लोकसभा संसद में विधानसभा में लालू यादव बैठे या कुमार विश्वास जी बैठे, क्या मतलब, क्यों पढ़े लिखे तुम, ये इनको मालूम नहीं दोनों को ही। एक आपके उज्जैन के डॉक्टर साहब को भी मालूम नहीं, और एक हमारे डॉक्टर साहब को भी मालूम नहीं है कि मोदी जी बाहर क्यों घूमते हैं। भाई वो इसलिए घूमते हैं, उनको घर का खतरा है ही नहीं, क्या लेना देना अगले आदमी को, टेंशन है ही नहीं। वो रही है डॉक्टर का मामला, अभी हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए यादव साहब, कई तरह की बातें देश में। भाई ये कवि सम्मेलन ठहाका को कभी हमारे महेंद्र भाई ने बताया, एक तो क्या कि सबसे ज्यादा झूठ भी यही बोला जाता है, पत्रकार लोग बैठे हुए कभी, ये जो मंच है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारिता, मीडिया, ये कविता, ये महत्वपूर्ण चीज है मेरे दोस्त, पर सबसे ज्यादा झूठ यही बोला जाएगा। शुरू होते से ही मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर कुमार विश्वास जी, मेरे छोटे भाई जाननी भी रहेगी, मेरी छोटी बहन ये इनकर कर रही है, मैं ये झूठ नहीं बोलता। नहीं अपने खाएंगे भाई बहन यार, ये फोकट की बात है। बात ये बहुत गंभीर बात है भाई, अपन मर्जी पड़े उसको कैसे भाई बहन बोल दे, ये इनको कैसे बोल दो ये बहुत अच्छा इंकर कर रही है, एंकरिंग कर रही है कि ये मेरी छोटी बहन। भाई मैं क्यों बोलूं, रात की 11 बज गए मेरी बहन यहाँ पे क्या करे, और रात की 11-12 बजे मेरी बहन इधर उधर रोती फिरे, मेरे जिया जी
समर्थन तो देना पड़ेगा ना मालवे वाले को। डॉक्टर हमारे यादव साहब के बीच में कहना भाई ये तो परिवर्तन रैली अभी हमारे डॉक्टर साहब ने निकाली, आम आदमी पार्टी की परिवर्तन रैली, अब ये जाननी बैरागी की परिवर्तन रैली है, रैली तो निकालनी पड़ेगी सबको, ऐसा थोड़ा नहीं है, सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं आपकी तरह बात कर रहा हूँ क्योंकि ये तो हमारे 25 साल वाले पुराने छोटे भाई वाले डॉक्टर है, सबको अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। महेंद्र भाई आप कह रहे हो वो केसेगार पैसे का बात कर रहे थे, यहाँ से पैसा नहीं आ रहा। महेंद्र भाई ने मेरे कहा बोले यार मेरे घर के सामने HDFC बैंक है और वहां पे मैंने चेक जमा कराया और इधर घर के सामने वो बैंक ऑफ इंडिया है, अब यहाँ से यहाँ तक पैसा आने में 10-10 दिन लग रहा है। तो मैंने कहा इतना लोड क्यों ले रहे हो भाई, आपके दोनों घर के आमने सामने बैंक है और यहाँ चेक जमा कराया तो 2 मिनट में इधर पैसे आ जाना चाहिए, पर नहीं आ रहे भाई। वो क्यों नहीं आ रहे मालूम नहीं इनको, क्यों नहीं आ रहे भाई। आदमी राम घाट में सुबह सुबह टहल रहा है और मान लो मां मर गया वो, तो क्या उसको वहीं जला देंगे राम घाट पे? उसको घर लाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, मामा जी आएंगे, मासी आएगी, बुआ आएगी, 15-20 दिन लगेगा, टाइम लगेगा ना भाई, समझ नहीं रहा। पैसे नहीं आ रहे, वो इधर से सारा सिस्टम चल रहा है मामला। ए भाई आज से 500-700 साल पहले तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया है रामायण में, है उन्होंने पहले ही कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा जपय जपय उतरे बहु सागर, उन्होंने कह दिया कि कलयुग में केवल नाम आधार से मतलब नहीं, कलयुग में केवल आधार कार्ड ही चलेगा, बाकी बहुत अच्छी बात है, आधार कार्ड हो तो बात करो। तो वो सारी चीजें आजकल हो रही है, अब सब अपने अपने दिमाग से सबके अलग अलग सोच है। तो ये जो कवि सम्मेलन का मंच है, ठाका का मंच, ये माँ सरस्वती का मंच है, इस मंच पे चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास हो, चाहे जानी बैरागी हो, राजनीति में अपनी जगह कहाँ भी रही हो, परंतु इस मंच पे राजनीति हमारे बाबा निर्वैहात्र से कहते थे कि हम कलाकारों के लिए कवियों के लिए राजनीति पैरों की जूती के बराबर है, हम इन राजनीति को नीचे रखते हैं परंतु, और साहित्य हमारे सर की पगड़ी है परंतु कभी कभी साहित्य की इज्जत रखने के लिए हम वो हाथ में उठा लेते हैं, बहुत सारा सर पे उठा के घूम रहे हैं, ये अलग बात है। तो मैं ऐसा ये हो रहा है, ये अलग बात भाई, सबके अलग अलग, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये कौन सी पार्टी का मंच है, ये कौन सी पार्टी के कवि हैं कोई मतलब नहीं, हम सरस्वती पुत्र हैं, हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। महेंद्र भाई ने पहले इशारा कर दिया था कि टाइम काफी हो गया, सर्दी हो रही है, इसलिए किसी एक बड़े कलाकार को बुला दो, तो मैं बड़ा कलाकार आपके सामने आ गया। यार ये कुलदीप भाई कब से कह रहे थे, बोले मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, बहुत छोटा सा, 15 रोज पहले इसका इंदौर में प्रोग्राम था, अगले ने 10,000 काट लिए इसके, उस आयोजक के माथे बोले बोले 15,000, बोले काई के लिए कहा कि छोटा हूँ, इसलिए मैं ये पैसे काटने के चक्कर में कभी छोटा बताता ही नहीं हूँ, क्या मतलब अपन अपना छोटा काम बता के, अपन ऑलरेडी बड़े और अपन आज तक कोई ईवी टीवी चैनल वैनल पे आए भी नहीं, क्या मतलब है आना करने से यार, वहां जाओ चैनल पर, वापस आना तो यही, तुम जब यही आना तो यही रहो, तो मैं यही रहता हूँ और मैं वही काम करता हूँ जो मेरे, सबका अलग अलग नजरिया है। अब वो और यार वो नरेंद्र मोदी और ये राहुल गांधी और ये केजरीवाल जी, सबके अपने अपने काम है, सबकी दृष्टि है, कौन किस दृष्टि से सोचता है। यार यादव साहब, नरेंद्र मोदी जी ने चाय पिलाई, चाय अभियान चलाया, चाय का मतलब आप समझते क्या होता है, किसको कहते हैं चाय अभियान, यहाँ पत्रकार लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं और मैं जिम्मेदारी से इस बड़े मंच पर, इस महाकाल की तपस्थली पे, जिस महाकाल की धरा पे माता क्षिप्रा मैया के तट पर खड़े रह करके कवि बाबा कालिदास ने मेघदूत लिखा, और क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि वो यही के रहने वाले थे, इसे आप इतना लोग भी मत लो भाई, वो यही के रहने वाले थे, कालिदास जी को यही लिखेंगे नहीं, क्या बम्बई जाके लिखा क्या। तो मैं इस कालिदास जी के सर जमीन पे, श्री कृष्ण जी सरल जी की जमीन पे, विश्व शिव मंगल सिंह सुमन जी की धरती पे खड़ा रह करके एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, सब अपने, चाय का मतलब क्या होता है, चाय अभियान चलाया नरेंद्र मोदी जी ने, राहुल गांधी जी ने चलाया रुद्रपुर में खाट अभियान, खाट यात्रा, भाई चाय का मतलब क्या होता है, रात को ये माता बहने बैठी मंदिर में, अगर भजन भाव हो रहे हैं 1:30-2 बजेगी तो माता बहने बोलेगी 1:30 बज गई लाड़ी, इनके चाय पिलाओ नींद आ रही, तो आदमी को जब चाय नींद आई नहीं तो चाय की याद आए, तो यानी कि चाय पीते रहो जागते रहो, चाय पिला पिला के अगला आदमी जगा रहा। एक आदमी ने खाट यात्रा निकाली राहुल जी ने, अब राहुल जी को ये मालूम नहीं कि खाट पे से समस्या हल नहीं होती, खाट पे जाओगे तो समस्या खड़ी होगी, समस्या
अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, कुलदीप तो अटल जी को कोई समस्या ही नहीं है, नरेंद्र मोदी को कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि वो खाट पे गए ही नहीं, खाट पे गए नहीं तो समस्या हुई नहीं। आप खाट पे से समस्या हल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना नजरिया अलग अलग है। ये तो क्या है कि ये जो नोटबंदी का मामला देश में चला, सबके सोचने के अलग अलग तरीके हैं। मान लो अभी यहाँ जी न्यूज वाले बैठे हुए, अगर ये इस प्रोग्राम को अपने ढंग से बताएंगे तो ये अपने ढंग से बताएंगे। इसी प्रोग्राम को मान लो अभी इंडिया टीवी वाला या आज तक वाले आ जाए तो वो अपने ढंग से बताएंगे। अभी मान लो कि ये जी न्यूज वाले हैं, ये अगर अपने ढंग से इस प्रोग्राम को हाईलाइट करेंगे, महेंद्र भाई के 17वां प्रोग्राम हो गया ठाका का, ये अपने ढंग से चैनल पे आप देख लो, जी न्यूज अगर करेगा तो वो यही कहेगा, बोले शानदार रहा ठाका का सम्मेलन, 17वां साल हुआ शानदार, हजारों लोग टूट पड़ रहे, डॉक्टर कुमार विश्वास के गीतों पे झूमने लगे, डॉक्टर मोहन यादव रात की ठरकती ठंड में यहाँ पर बैठे रहे, कुलदीप ध्रुपा ने लोगों को खूब हंसाया, चारों तरफ सन्नाटा, शानदार रहा प्रोग्राम, अद्भुत रहा प्रोग्राम। और इसी बात को अगर मान लो कि अगर अभी आज तक वाला बताए तो वो यही कहेगा, बुरी तरह से पीटा गया कभी सुनी प्रोग्राम। डॉक्टर कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी का प्रचार करके चले गए, कभी समय बुरी तरह से पीटा गया, कुलदीप दुबे की मिमिक्री को किसी ने नहीं सुना, रात भर छाए रहे मालवे के रजनीकांत जानी बेरा की। सबके अलग अलग नजरिए, कोई किस नजरिए से देख रहा, कोई किस नजरिए से देख रहा, तो अपने अपने नजरिए। देखो मैं तो बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी भी, आदमी के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं तो जन्म जात बैरागी आदमी हूँ, मेरे दादाजी खुद गांव में मंदिर की पूजा करते थे, आटा मांगते थे, आटा मांगने के लिए गए तो उधर से कुलदीप भाई आप देखो आटे की मार्केटिंग और मेरे दादाजी की, तो किसी ने उनको आटा दिया, बाल्टी में आटा भर के आ रहे थे, सीताराम सीताराम बोलते हुए, तो किसी ने एक कटोरी में खीर दे दी, बोले पंडित जी खीर खाना। अब वो पंडित जी दादाजी को खीर मिली बहुत दिनों के बाद, एक हाथ में कटोरी एक हाथ में आटे की बाल्टी, थोड़ी दूर आए उनको लघु शंका आ गई। लघु शंका समझते हैं ना, समझते ही है भाई, आपको लंदन में रहते हो क्या, नहीं समझते हो तो क्या, अपन मालवे के लोग हैं, अपन तो सब कुछ समझते हैं। कई सारी गलतियां तो ये मीडिया चैनल वालों की मैं क्षमा चाहता हूँ, कन्हैया कुमार ने ये कह दिया, अकबर ओवैसी ये कह रहा, अरे यार उनको कौन जानता है, उनको हाईलाइट तो अपन नहीं कर दिया। अकबर ओवैसी ने ऐसा कहा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, भारत माता भाई मत बोल, जो 25 करोड़ मुसलमान बोल रहे हैं उनको बताओ ना कैमरा कि ये बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं उसको बोले तू बोल भाई, वो क्यों बोले, जो बोल रहे हैं उनको बताओ, नहीं बोला ना मत बोल, बोले मेरी गर्दन पे छुरी रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैंने कहा क्या नहीं बोलेगा, बोला भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, 5-10 बार तो बेवकूफ ऐसे ही बोल गया, बेवकूफ को पता ही नहीं। अफजल गुरु आया जेएनयू के अंदर, कन्हैया कुमार ने ये कहा टीवी चैनलों पर, कन्हैया कुमार ऐसा कह गया, कन्हैया कुमार ये तो शहर के लोग समझ रहे, मेरे वहाँ गाँव में घोटड़े में तो कोई नहीं जानता, कई औरतों ने मेरे से पूछ लिया, बोले पंडित जी जो कन्हैया कुमार वहाँ कहते चली गई, ये तो यहाँ ईटा की भट्टी करे ना, वो दिल्ली में कहीं रोल रहे, उनको बोले मालूम था कौन कन्हैया कुमार, अपन ही उनको हाईलाइट कर रहे, भाई उनको जानता कौन है उन दो कोड़ी के लोगों को, ये बात अपने तक रखो ना भाई, अपने को मालूम है कि अपने मोहल्ले में से बबली भाग गई, तो भाई जब बबली भाग गई ये बात खाली बबली की मम्मी को मालूम है, उनकी विकी काकी के मालूम और विकी भाभी के मालूम, अपन क्यों चिल्लाता फिरो के बबली भाग गिरे, अरे भाई भागी तो बबली की सीमा आ जाएगी 10-20 दिन में, और 10-20 दिन में वापिस बबली आई तो उनका पिताजी ने निकालियो जूतो, बोले मारो मुंडो कारो करे दीदो ना, कई बदले गई थी ना, गई तो यहाँ वापिस कई बदले वन आई, बोले चपटी पिन को चार्जर भूलेगी लेवाना आई, अपन हाईलाइट मत करो इनको, अपन ही हाईलाइट कर रहे क्या मतलब है। तो वो हमारे दादाजी आ रहे एक हाथ में बाल्टी एक हाथ में कटोरी खीर की, और वो उनको जैसे ही तो उन्होंने जनोई चढ़ाई और वो दूर चले गए, इतने में कुत्ता आया और उसने वो खीर झूठी कर दी, हमारे दादी जी ने देख लिया, उन्होंने कहा बोले ये खीर अब मत खाना, बोले क्यों, बोले कुत्ते ने झूठी कर दी। अब हमारे दादाजी का तो जीव उसी में फंसा हुआ खीर में, कि खीर खाना अपने को है ना, दादाजी ने कहा बोले किसने कहा कि खीर झूठी कर दी, अरे बोले मैं हमारी आंख से देखियो यो कुतरा है खीर ऐठी कर दी झूठी है, बोले कौन सो कुत्तो थो, बोले कालो कुत्तो, अरे बोले बेवकूफ अपने शास्त्र में लिखा हुआ, अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोले अपने शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ क्या, बोले कहीं लिखियो, बोले काला कुत्ता सदा उत्तम,
सफेद कुत्ता सदा मध्यम। डोगरी मान कहा कि अगर काला कुत्ता सदा उत्तम, सफेद कुत्ता सदा मध्यम। मान लो खीर अगर सफेद कुत्ते ने झूठी करी तो, बोले अगर सफेद ने झूठी करी तो एक शास्त्र में यह भी लिखा कि सफेद कुत्ता सदा उत्तम, काला कुत्ता सदा मध्यम। उत्तम हो या मध्यम, अब अपन तो फंस गए नोटबंदी की चपेट में। सही क्या है या गलत है, अब अपने को तो खीर खाना है, तो खाते रहो भैया। ज्यादा समय में भी आपके बीच में नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र यादव जी ने मुझे यहाँ बुलाया, हम डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।